हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू नाउ विच से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्राम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इंक्रजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा दे आर सेंग that इट इज़ being रिलीज फ्राम रेस्ट रेस्ट का मतलब क्या हुआ दैट इट हैज़ maximum पोटेंशियल energy. अभी उसके पास क्या है रेस्ट पोजिशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल energy है अब वो बोल रहे हैं कि हम ना इसको क्या करेंगे रिलीज़ कर देंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है इसको हमने रिलीज़ कर दिया पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे एक जैसी तो होगा क्या चार्ज विल स्टार्ट मूविंग अब मूव करना अगर उसने स्टार्ट कर दिया इसका मतलब इट हैज़ गेन कायनेटिक इनर्जी क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है अगर आपके पास हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके पास लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज इट इस इट हैज़ स्टार्टिड मूविंग विद इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो इसका मतलब कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेगा ये तो कैंसिल कर देते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि काइनेटिक अनर्जी चेंज होगी पोटेंशियल इनर्जी चेंज होगी हमारी सो ऑब्सली इट विल डिक्रीज और इंक्रीज अभी देखते हैं डिपेंड करता है कंडीशन पर अब हम हाँ, अभी हमने क्या बोला कि रेस्ट पर था तो मैक्सिमम थी अब जैसे उसने हमें हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो ये क्या करना शुरू कर दिया इसने काइनेटिक इनर्जी गेन करना शुरू कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ऑन द अदर हैंड एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग दैट मींस द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्यू ई अब आपको पता है कि फोर्स किस तरफ होती है क्यू ई की डायरेक्शन में चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में इसने भी मूव करना शुरू कर दिया सो वेन अ पार्टिकल इज रिलीज इट मूव्स इट मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये चीज़ याद रखना हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में जाएगा सो so, इसका मतलब क्या हुआ इफ़ इट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दैट एनर्जी इज बींग ड्रीज सो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आप देख सकते हो जहाँ पे एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है एंड वाई इट इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जैसे मैंने आपको बोला था दैट इट इज मूविंग अलॉन्ग क्यू ई इसका मतलब राइट ऑप्शन इज सेकेंड वन नॉट द थर्ड वन ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर थैंक यू फॉर वॉचिंग अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ द थर्ड वन